इस वीडियो में हम यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे जिसे अंग्रेजी में कंपाउंड्स कहते हैं। आपने पढ़ा था कि शुद्ध पदार्थ के दो प्रकार होते हैं, तत्व और यौगिक। आइए अब हम यौगिक के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। एक यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से बना एक पदार्थ होता है जो रासायनिक रूप से एक दूसरे के साथ एक निश्चित अनुपात में संयोजन करता है। हमने आपको मिश्रण के परिचय के वीडियो में बताया था कि पानी, साधारण नमक और चीनी एक शुद्ध पदार्थ हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब तक एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो पानी बनाते हैं। इसी तरह पानी एक यौगिक है जो दो तत्वों के संयोजन से बना हुआ है। उसी तरह साधारण नमक, जिसे हम सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं, सोडियम और क्लोरीन तत्व के संयोजन से बना यौगिक है। आप यह जानते हैं कि तत्वों के अपने भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं, लेकिन क्या जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक यौगिक बनाते हैं तो उनके भौतिक और रासायनिक गुण भी वैसे ही रहते हैं? आइए देखते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम पानी को देखें तो वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का एक यौगिक है, लेकिन क्या पानी कमरे के तापमान पर गैस की अवस्था में है? नहीं ना। अब साधारण नमक का उदाहरण लेते हैं। सोडियम एक ठोस है और क्लोरीन एक गैस है, लेकिन सोडियम क्लोराइड एक ठोस है। इसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही एक ज्वलनशील गैस होती है, लेकिन जल का गुण बिल्कुल इसके विपरीत होता है। जल आग बुझाने के काम में आता है। तो अब आपने देखा कि एक यौगिक के अपने निश्चित भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं जो उनके तत्वों से बिल्कुल अलग हो सकते हैं, और क्योंकि यौगिक के तत्व एक निश्चित अनुपात में मिले रहते हैं इसलिए यौगिक एक शुद्ध पदार्थ होता है। जल, मीथेन, नमक, चीनी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इत्यादि एक यौगिक के उदाहरण हैं। क्या अब आप एक मिश्रण और एक यौगिक के बीच में अंतर बता पाएंगे? आइए देखते हैं। इस सारणी में एक तरफ मिश्रण दिए गए हैं और एक तरफ यौगिक। पहला, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। इसके विपरीत तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है जबकि एक नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणों को दर्शाता है जबकि यौगिक में नए पदार्थ के गुण पूरी तरह से भिन्न होते हैं। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है जबकि यौगिक में घटकों के केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। तो अब तक आपने देखा पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, मिश्रण और शुद्ध पदार्थ। मिश्रण भी दो प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। विलयन एक समांगी मिश्रण है और निलंबन और कोलॉइड विषमांगी मिश्रण है। उसी प्रकार शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। धातु, उपधातु और अधातु ये सभी तत्व होते हैं। तो इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आइए अब हम एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न के अनुसार निम्नलिखित को तत्व, यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत करें। अब हम इसका हल देखते हैं। इस हल को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। धन्यवाद।